रविवार को गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमण के 7 नए मामले सामने आए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिले में 39 केस कोरोना संक्रमण के आए हैं, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 5 ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। अब जिले में कुल 31 कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीज हैं। मोहद्दीपुर में 1 युवक, गुलरिया में 2, बांसगांव के लालपुर में 1, पिपरौली के भवापार में 1 मामला सामने आया है। इसके अलावा सरदारनगर के बेलवा बुजुर्ग और बड़हलगंज के रामपुर देवरा ग्राम पंचायत का डुमरी टोला निवासी 1 युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं सभी संबंधित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए तत्काल एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इन रिपोर्ट के बाद संबंधित क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति है। साथ ही मोहद्दीपुर स्थित रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज मोहद्दीपुर गोरखपुर में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर उस एरिया को कंटेनमेंट जोन हॉटस्पॉट एरिया बनाकर आने वाले व्यक्तियों को पाबंदी लगा दी गई है। वहीं मोहद्दीपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव युवक के साथी को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया।